मैं फेरो द्वीप समूहों की एक खाड़ी में जा रहा हूँ पायलट वेल के शिकार पर। आज तक कई लोगों ने फेरो आइलैंड्स पर वेल के शिकार को फिल्माने की कोशिश की है, लेकिन अक्सर उन्हें भगा दिया जाता है। हमने सुना है लोगों के ड्रोन हवा में ही उड़ा दिए गए और शूट करने वालों की गाड़ियों के पहिए निकाल दिए गए। मैं नहीं जानता वो हमारा स्वागत कैसे करेंगे। मैं एक चेतावनी देना चाहूँगा कि कुछ लोगों के लिए ये फुटेज देखना परेशानी भरा हो सकता है। ये डॉक्यूमेंट्री दिखाती है कि मैं वहाँ कैसे पहुँचा और आज भी ये खूनी परंपरा क्यों जारी है। मेरा नाम क्रिस्टियान है और मेरे बगल में आंद्रयास हैं जो एडिटिंग संभालते हैं। हमने सितंबर 2021 में एक जर्मन न्यूज चैनल के लिए फेरो आइलैंड्स पर होने वाले डॉल्फिन के शिकार पर एक फिल्म बनाई थी। यहाँ 1400 से ज्यादा डॉल्फिनों की हत्या की गई, वो भी सिर्फ एक दिन में। 2021 में ये तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो गई क्योंकि पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी तादाद में हुआ डॉल्फिनों का कत्लेआम शूट नहीं किया था। और सच कहूं तो वो ऐसे दृश्य थे जिन्हें मैं फिर भुला नहीं सका। दुनिया भर में लोग इस तरह के शिकार का विरोध करते रहे हैं। ये तस्वीरें मुझे परेशान करती हैं और मैं इस बारे में ज्यादा जानना चाहता था, तो हम अपनी कैमरा टीम लेकर फेरो की तरफ चल पड़े। फेरो आइलैंड्स उत्तर अटलांटिक में स्कॉटलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड के बीच स्थित हैं। यहाँ की आबादी 50,000 से थोड़ी ज्यादा है। सब किसी न किसी तरह एक दूसरे को जानते हैं। इस यात्रा पर पूर्वाग्रहों के बिना रहना मेरे लिए बहुत जरूरी था। मैं यहाँ राय बनाने नहीं बल्कि समझने आया था कि यहाँ के लोग आज भी पायलट व्हेल और डॉल्फिनों का शिकार क्यों करते हैं। मैं दुनिया भर में घूमता हूँ लेकिन यहाँ चीजें अलग हैं, जंगली और रूखी। हम राजधानी टोरशॉन जा रहे हैं जहाँ ज्यादातर फेरोई लोग रहते हैं। ऐसे लोगों से मिलने के लिए एकदम सही जगह जो हमें वेल शिकारियों की दुनिया में ले जाएंगे। मैं पेतुर का इंतजार कर रहा हूँ। पेतुर यही फेरो आइलैंड्स पर रहते हैं, वो भी एक फिल्म मेकर है। उन्होंने ही 2021 में वो फुटेज शूट किया था। मैं चाहता हूँ वो मुझे उस जगह ले जाए जहाँ ये सब हुआ। हाय, आप पेतुर होंगे? जी हाँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या आप मुझे उस जगह ले जा सकते हो जहाँ पिछली बार ग्रिंडा ड्रॉप हुआ था? हाँ जरूर, वो यहाँ से बस 15 मिनट दूर है। पेतुर सिगुर डी क्रॉकी ने मुझे बताया कि उनका जन्म फेरो आइलैंड्स पर हुआ था और वो एक छोटे से गांव में पले बढ़े। 2021 में उन्होंने देखा कि एक खास घटना घट रही है। उन्होंने मुझे वो जगह दिखाई जहां जानवरों का शिकार होता था। क्या यही वो बीच है? यही वो शिकार हुआ था? हाँ, पहले सब कुछ शांत लगता है लेकिन आप आसपास तनाव महसूस कर सकते हैं। लोग शिकार की तैयारी में हैं। शिकार में शामिल होने वाला हर व्यक्ति तैयार हो रहा है। वो देखते हैं कि वेलें आखिर किस तरफ से आएंगी, क्योंकि जैसे ही वेलें शिकार के लिए करीब आएंगी उन्हें तैयार रहना होगा और तब आप उन्हें मारना शुरू करते हैं और जितना तेज हो सके उनका शिकार करते हैं। पेतुर ने बताया कि उस दिन उन्होंने शिकार में हिस्सा नहीं लिया था बल्कि ये फुटेज शूट किया। इसे दुनिया भर में देखा गया। अगर आप खून खराबा नहीं देख पाते तो कुछ देर के लिए आंखें हटा लीजिए। कुछ चुनिंदा बेहद जोशीले शिकारियों को इन 1400 से ज्यादा व्हाइट साइडेड डॉल्फिन्स को मारने में काफी ज्यादा समय लगा। आमतौर पर शिकार में लगने वाले कुछ मिनटों के बजाय यहाँ ये कत्लेआम कम से कम आधा घंटा चला। क्या आपने पहले कभी ऐसा कत्लेआम देखा था? नहीं, इस तरह का तो नहीं। इसको लेकर आपकी निजी राय क्या है? क्या इस पर रोक लगनी चाहिए या फेरो आइलैंड्स पर ये परंपरा जारी रहनी चाहिए? कहना मुश्किल है।
जब मैं छोटा था तब मैं इस ग्रिंड यानी शिकार में साथ देता था और इसका हिस्सा बनना चाहता था। घर पर खाना लाने के लिए पिता की मदद करना चाहता था। यह हमारे लिए कीमती था, लेकिन फिर मेरी सोच बदली और कुछ हद तक मैं इसके खिलाफ हो गया। लेकिन ये कोई परंपरा कैसे हो सकती है, इतनी बेदर्दी से जानवरों को मारना? ये इस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ से हैं। कुछ परंपराएं दूसरे देशवासियों के लिए क्रूर हो सकती हैं। मुझे नहीं लगता ये परंपरा है, ये जरूरत रही है, क्योंकि उस दौर में जब और कोई खाना उपलब्ध नहीं था तो यही हमारा खाना था। कुछ लोगों ने इसे ईश्वर का तोहफा कहा। ईश्वर का तोहफा, ये तब समझ आता है जब खाने के लिए कुछ ना हो। लेकिन आज भी शिकार क्यों जारी है? पेतुर ने कहा उनके पिता भी वेल्स और डॉल्फिन्स का शिकार करते हैं और उन्होंने हमें अपने घर बुलाया। सामने का दरवाजा खुला है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? म्यूसली खा रहे ये शख्स येंस मोर्टन रास्मुसेन है, पेतुर के पिता और एक वेल शिकारी। उसकी माँ कैमरे पर नहीं आना चाहती, लेकिन येंस को इससे कोई दिक्कत नहीं। वो पेशे से शिक्षक हैं और जाहिर है ये पहली बार नहीं है जब वो मुझ जैसे शहरी इंसान को समझा रहे हैं कि वो वेलों का शिकार क्यों करते हैं। मैंने अभी ये तस्वीर देखी। अगर आप जर्मनी जाएं, तो आपको कभी सुअर या गाय का शिकार करते लोगों की तस्वीर घर में नहीं दिखेगी, लेकिन आपके घर में लगी है। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के करीब हैं। क्या आपने कभी सुअर को मारते देखा है? नहीं, शायद नहीं, क्योंकि ये काम बंद दरवाजे के पीछे होता है और यहाँ केजी के बच्चे भी बूचड़ खानों में जाकर देखते हैं कि भेड़ कैसे मारी जाती हैं। और यही वजह है कि आपको किसी जानवर के शिकार की तस्वीर जर्मन घरों में नहीं मिलेगी। लेकिन माफ करना, उन्हें मरे हुए जानवर पसंद हैं क्योंकि उन्हें खाने में मीट चाहिए। शायद ये पाखंड हो। हम जानते हैं कि वो अक्लमंद जानवर हैं। डॉल्फिन्स बेहद अक्लमंद होती हैं। तो आपको क्यों लगता है इन जानवरों को मारना सही है, वो भी इस तरह? आपको ये गलत क्यों लगता है? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं बस पूछ रहा हूँ कि आपको उन्हें मारना सही क्यों लगता है? मैं कम बुद्धिमान लोगों के साथ काम करता हूँ। अगर अक्लमंद होने से मुझे किसी को मारने का हक मिलता है तो मैं बिल्कुल गलत हूँ। हम खाने के लिए शिकार करते हैं और हम डॉल्फिन्स खाते हैं, यही वजह है। एक शिक्षक के सख्त शब्द। लगता है येंस चिढ़ गए हैं। वेल शिकारियों को पता है कि ज्यादातर बाहरी लोग उन्हें नहीं समझते और वेल शिकार का विरोध करते हैं। हमने सी शेपर्ड का एक वीडियो देखा। ये वो संगठन है जो सालों से वेल शिकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है। ज्यादातर स्थानीय लोग पशु अधिकार कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं करते। आपने इनके स्पेशल इफेक्ट्स और म्यूजिक पर गौर किया? हाँ, लेकिन ऐसे वीडियोस वायरल हो जाते हैं और लोग कमेंट्स में इसे क्रूर हत्या कहते हैं। मैं बताऊं मुझे क्या लगता है, इससे बढ़िया विज्ञापन नहीं हो सकता। वाकई? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वह एक तरह से हमारे युवा वेल शिकारियों के लिए ग्रिंडा ड्रॉप का प्रचार कर रहे हैं। 2012 में जब सी शेपर्ड ने घोषणा की थी कि वे फैरो आइलैंड्स आएंगे, तब एक वेल का शिकार हुआ था यहाँ से कुछ दूर खाड़ी के पास। वहाँ इतने सारे युवा थे कि हम सोचने लगे इतने सारे बच्चों को कैसे सिखाएं। वो इतने ज्यादा थे कि हम उन्हें ठीक से सिखा भी नहीं पाए और तब से इतने ही सारे लोग आने लगे हैं, इसलिए वो जो कर रहे हैं उनका उल्टा असर हो रहा है। पशु अधिकार कार्यकर्ता वेल शिकार का विरोध करते हैं, लेकिन येंस इसे जरूरत बताकर समर्थन करते हैं। कौन सही है? हम खुद सी शेपर्ड के एक्टिविस्टों से पूछ सकते हैं, लेकिन पहले आइए देखते हैं हम डॉल्फिनों और उनके शिकार के बारे में क्या जानते हैं। फैरोय लोग अलग अलग तरह की डॉल्फिनों का शिकार करते हैं, जैसे व्हाइट साइडेड डॉल्फिन, लेकिन उनकी असली दिलचस्पी पायलट वेलों में है जो असल में डॉल्फिन ही हैं। वो बहुत सामाजिक होती हैं और झुंड में रहती हैं, जिन्हें पॉड्स कहते हैं। अगर वो दिख जाएं और मौसम सही हो तो फैरोय शिकार के लिए निकलते हैं, जैसा वो पिछले सैकड़ों सालों से कर रहे हैं।
फिर शिकारी खुले समंदर में जाकर अपनी नावों से जानवरों को खाड़ी की ओर खदेड़ते हैं ताकि उथले पानी में उनका शिकार कर सकें। वो हमेशा शिकार किए जानवरों की गिनती रखते हैं। औसतन हर साल 630 पायलट व्हेल्स और लगभग 265 दूसरी प्रजाति की डॉल्फिन मारी जाती हैं। फैरोई लोग कहते हैं कि ये जानवर विलुप्त होने के कगार पर नहीं हैं। हजारों जानवर समुद्र में हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर एक्टिविस्टों को वेल शिकार से क्या दिक्कत है। मैं सी शेपर्ड के सैमुअल से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक्टिविस्ट आमतौर पर कोई छोटा अपार्टमेंट या घर किराए पर लेकर रहते हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि वो इस द्वीप पर कहाँ रह रहे हैं। शायद वो जल्द संपर्क करेंगे। उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है। उनका मैसेज आया कि हम शाम को 5 बजे मिल सकते हैं। हमने पता नोट किया और निकल पड़े। हाय, मैं सैमुएल हूँ। मैं क्रिस्टियान। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। लेकिन आपका घर ढूंढना आसान नहीं था। हम मैप्स पर देखते हुए घूमते रहे लेकिन घर ढूंढने में तकलीफ हुई। लेकिन फिर भी पहुंच गए। हाँ, आखिरकार पहुंच गए। हमने देखा कि आंगन की निगरानी के लिए कैमरे लगे हैं। ये कैमरे तब लगाए गए जब टीम को शक हुआ कि किसी ने उनकी कार के साथ छेड़खानी की। यहाँ मेरी मुलाकात पोलैंड की अलेक्सांड्रा लेशवार से हुई। आपने फैरो आइलैंड्स आकर ग्रुप में शामिल होने का फैसला क्यों किया? मैं एक मरीन बायोलॉजिस्ट हूँ, तो मैंने वेलों पर अध्ययन शुरू किया। मेरी उनमें काफी रुचि है। वो खूबसूरत जानवर हैं, वाकई शानदार हैं। वो अभी भी थोड़े रहस्यमयी हैं। यहाँ जो कुछ हो रहा है उससे मैं दुखी हूँ। मुझे निजी तौर पर लगता है कि ये काम अब बंद हो जाना चाहिए। लेकिन क्या आप जानती हैं, लोगों का कहना है कि सी शेपर्ड को हमारी परंपराओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बस फोटो खींचते हैं, वीडियोस में दुखी म्यूजिक लगाकर समुद्र में फैला खून दिखाते हैं, लेकिन लोगों को परंपरा नहीं समझाते। क्या आप ये जानती हैं? जी हाँ, यकीनन। और इतने सालों से वो ये काम पेट भरने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से दिक्कत ये है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये जानवरों को बेवजह तड़पाना है। सैमुएल रोस्टॉल और उनके साथी ड्रोन्स की मदद से हर शिकार फिल्माने की कोशिश करते हैं। फुटेज से पता चलता है कि जानवरों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। सबसे खराब चीज है शिकार से पहले इन वेल्स को घंटों तक खदेड़ा जाना, और उन्होंने खुद कहा है कि वो वेल्स के पीछे आवाज की दीवार बनाकर उन्हें भगाते हैं। ऐसा जानवरों को खास दिशा में खदेड़ने के लिए किया जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से वो तैर रही हैं, ये आम रफ्तार नहीं है। वो यहाँ भागने की कोशिश में हैं। वो बेहद डरी हुई हैं और बहुत तेजी से तैर रही हैं। वो गहरे समुद्र में आमतौर पर ऐसे नहीं तैरती। जानवरों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। नहीं, उनके पीछे दीवार है और दोनों तरफ जमीन है। वे सिर्फ एक दिशा में बढ़ सकती हैं। ऐसे रास्ते पर जहां मौत इंतजार कर रही है। आप अक्सर ये दलील सुनते हैं कि उन्हें खाने के लिए मारा जाता है। क्या ये सच है कि वो पूरी वेल खा जाते हैं? मैं कहूंगी वो ज्यादातर हिस्सा खा जाते हैं। पता नहीं वो बचे हुए मांस का क्या करते हैं, क्या वो पूरा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं वो ज्यादातर मांस ले जाते हैं। असल में वो पहले वेल का शरीर चीरते हैं और मांस के बड़े बड़े हिस्से निकाल लेते हैं। वो हिस्से जो नीचे की ओर आसानी से मिल जाते हैं, फिर बाकी शरीर फेंक देते हैं। क्या आप मुझे वो जगह दिखा सकते हैं जहाँ वो इनके कंकाल फेंकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। निकलने से पहले उन्होंने टायरों के नट चेक किए। उन्हें डर है कहीं किसी ने छेड़छाड़ ना की हो। हम उत्तर की तरफ एक घाटी की ओर जाते हैं। तो वो कंकालों को यहाँ से नीचे फेंक देते हैं। वो फिसल कर नीचे पानी में गिरते हैं और लहरें उन्हें समुद्र में बहा ले जाती हैं। कंकालों पर ढेर सारा मांस बचा होता है जो इस्तेमाल के लायक होता है। एक्टिविस्टों ने ये फुटेज दूसरी घाटी में फिल्माया था
ये फुटेज शायद 2022 का है, जो साबित करता है कि फैरोई मरे हुए जानवरों के सारे अंगों का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन मुझे उन पर नाराज होने का हक नहीं है, क्योंकि बाकी जानवरों के साथ हम भी यही करते हैं। हम किसी सुपरमार्केट में जाकर मीट, चिकन या बीफ या कोई भी मांस खरीदते हैं। उन जानवरों की हत्या बंद कमरों में होती है और यहाँ खुलेआम। तो आप इस तर्क को समझ रही हैं? वो बिल्कुल सही है, वो सच कह रहे हैं। लेकिन वेलों की मरने से पहले जिंदगी अच्छी होती है, लेकिन जिन्हें हम आमतौर पर खाते हैं उनकी जिंदगी अच्छी नहीं होती। उन्हें मारने के लिए ही पाला जाता है। हम नहीं कहते कि बाकी लोग जो कर रहे हैं वो सही है, वो भी बिल्कुल गलत है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? सब लोग मांस खाना छोड़ दें? नैतिक रूप से देखें तो हाँ, लेकिन असली दुनिया में ये मुमकिन नहीं है। इस सवाल का जवाब मुश्किल है, लेकिन कोई मांस ना खाए ये आदर्श हल हो सकता है। ये एक्टिविस्ट यहाँ सालों से आ रही हैं। उन्हें लगता है कि धीरे धीरे लोगों का रवैया बदल रहा है। उनका दावा है कि कुछ फैरोई भी वेल शिकार के खिलाफ हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर बोलने की हिम्मत नहीं करते। तो मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि हम शिकार के खिलाफ हैं, लेकिन बोलने से डरते हैं क्योंकि इससे उनका काम धंधा बंद हो जाएगा या फिर उन्हें सामाजिक विरोध झेलना पड़ सकता है, और हम इसी दिक्कत पर काम करना चाहते हैं। सैमुअल ने जो कहा वो सुनकर मैं हैरान हूँ कि यहाँ रहने वाला हर कोई पायलट वेल शिकार का समर्थन नहीं करता, लेकिन कई फैरोई बाहरी लोगों से अपनी आलोचना सुनना नहीं चाहते। क्यों? मुझे कोई मिला जो इसका जवाब दे सकता है? Guten Tag. Guten Tag. Hey, Shuru. Good to meet you. Wie geht's? Christian. Sehr gut. Wie geht es dir? Sehr gut auch. Ja. Sehr gut. ये हैं शुडूर स्काले। इन दूर दराज आइलैंड्स पर उन्हें रंगीन मिजाज इंसान माना जाता है। वो अभिनेता और पत्रकार रह चुके हैं और अब एक राजनेता हैं। एक आम फैरोई मर्द या औरत का आप किस तरह वर्णन करेंगे? एक ऐसा शख्स जिसे अपनी आजादी पसंद है। जब मैं बच्चा था तब दक्षिणी द्वीपों पर सुरोई में दादी से मिलने जाता था। मुझे याद है एक दिन सुबह मैं रसोई की टेबल पर बैठकर रेडियो सुन रहा था और दादी कह रही थी कि ये दुनिया, बाहरी दुनिया, बहुत बुरी जगह है। असल में उनके कहने का मतलब था कि अच्छा है हम उस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, अच्छा है हम फैरो आइलैंड्स में रहते हैं, हमारी दुनिया अलग है। फैरो आइलैंड्स आधिकारिक तौर पर डेनमार्क का हिस्सा हैं, लेकिन मैं जल्द ही समझ गया था कि फैरोई डेनमार्क को अलग ही मानते हैं। 1948 से ये द्वीप काफी हद तक स्वायत्त रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का कार्यालय है, ये वित्त मंत्रालय और ये विदेश मंत्रालय। फैरोई लोगों ने पायलट वेल्स के शिकार के लिए लगातार आलोचना का सामना किया है। इसमें ईयू भी शामिल है, जिसने अलग अलग प्रजातियों के संरक्षण समझौतों के तहत डॉल्फिनों के शिकार पर रोक लगाई। फैरोइयों के ईयू का हिस्सा न बनने की ये प्रमुख वजह है। आपकी क्या राय है? आप परंपरा के समर्थन में हैं या फिर खिलाफ? मैं कहूंगा कि मैं समर्थन में हूं, क्योंकि जब मौका मिलता है मैं शामिल होता हूं। मैंने खुद कई वेल मारी हैं। वो खुले समुद्र में आजाद जिंदगी जीती हैं। फिर किनारे की ओर आने पर जो पहली चीज उनसे टकराती है वो है धारीदार भाला, जो एक झटके में उनकी जान ले लेता है। वो मर जाती हैं। जाहिर है उन्हें तकलीफ होती है, क्योंकि उन्हें किनारे पर लाने से वो तनाव में होती हैं। लेकिन आप इसकी तुलना उस बात से कीजिए कि आपको मांस कैसे मिलता है। हमें उन सुअरों से तुलना करनी चाहिए जो पूरी जिंदगी कैद में बिताते हैं। वो सिर्फ एक मकसद से जिंदा रहते हैं कि एक दिन लोगों का खाना बनेंगे। जब आप इसकी तुलना पायलट वेल्स के शिकार से करते हैं तो मेरी राय में पायलट वेल्स का शिकार बेहतर नजर आता है। क्या आप मुझे वेल का शिकार दिखा सकते हैं? अगर आज शिकार हो रहा होगा तो मैं यकीनन ले जाऊंगा। तंज भरा जवाब। वो अच्छी तरह जानते हैं कि आज शिकार की संभावना ना के बराबर है। अटलांटिक महासागर में इस जानवर के दिखने में अभी कई दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं। कोई हो जो हमें इसके शुरू होने की जानकारी दे।
हमारे इन आइलैंड्स पर मौजूद रहते शिकार देखने का मौका मिलना बहुत किस्मत की बात होगी और मुझे सही लोगों से संपर्क बिठाना होगा। जवान लड़के खास तौर पर शिकार में रुचि रखते हैं। मैं संपर्क ढूंढ रहा हूं और इसी तलाश में मेरी मुलाकात उत्तर पूर्व में युवा खिवाइयों के एक समूह से हुई। इनमें से एक हमारे लिए अहम साबित होगा। वो लकड़ी की रोइंग नौकाओं से ट्रेनिंग करते हैं और रेस लगाते हैं। एक गांव बनाम दूसरा गांव, पूरी गर्मियां खुले समुद्र में दौड़ होती है। शुरुआत में हम एक मिनट में लगभग 60 स्ट्रोक लगाते हैं। क्या बात है, प्रति मिनट 60 स्ट्रोक। आज सुबह मैं होटल में रोइंग मशीन पर बैठा था, इत्तेफाक से मैंने डिस्प्ले देखा तो मैंने बस 20 स्ट्रोक मारे थे। फिर भी उन्होंने मुझे अपने साथ चलने का मौका दिया। रोइंग वाकई बहुत थकाने वाला काम है। लकड़ी की बेंच बहुत सख्त है, चारों तरफ पसीने की बू, लेकिन मजा है। खुशकिस्मती से वो मेरे साथ खुले समुद्र में नहीं जाना चाहते हैं। उनमें से एक खिवैया है, यॉन रोई हग्नेसन। लगता है वो रोइंग का दीवाना है। तो अगले 2 महीनों तक हम हर रोज 2 घंटे यही करेंगे। लकड़ी की ये नाव अभी बहुत भारी है, अगर सब हाथ लगाएंगे तभी इसे बाहर निकाला जा सकता है। यॉन रोई का कहना है कि वो लोग ऐसी ही नावों में वेलिंग पर जाते थे। वो 18 साल का है और गोवटा गांव में पला बढ़ा है। वो पास के छोटे से संग्रहालय में काम करता है। हम उससे मिलते हैं। हाय हाय, आपसे फिर मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। सब ठीक है? हाँ। उसने मुझे वो कमरा दिखाया जो सैलानियों के बीच सबसे लोकप्रिय है। इसमें वेलिंग से जुड़ी चीजें रखी हैं। ये मेरा कमरा है जहाँ मैं बड़े समूहों को लेकर आता हूँ। ओह अच्छा, और ये क्या है? वेलिंग में इस्तेमाल होते हैं ना? हाँ, ये वेलिंग के लिए हैं। ये पुराने औजार हैं, छुरे और ये भाले और भी हैं। ओह, ये काफी भारी है। अब हम हुक्स का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें वेल के छेद में फंसाते हैं और फिर रस्सी लगाते हैं, फिर रस्सी से उन्हें खींचते हैं। और ये वाला, ये वेल को मारने के काम आता है। बहुत आसान है, छुरे की तुलना में ये ज्यादा मानवीय है। ये ज्यादा मानवीय कैसे है? अगर आप सही जगह पर मारें, तो ये सीधे दिमाग में घुसता है। देखिए, ये काफी गहरा जाता है। यानी इससे वेल तुरंत मर जाती है? हाँ, लगभग 2 सेकंड में, 1 या 2 सेकंड में। ये बहुत तेज है। और आपको अब तक लाइसेंस नहीं मिला है? नहीं। क्या आप शिकार करना चाहते हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि कुछ लोग सी शेपर्ड या बाहरी दुनिया की बातें सुनते हैं, वहीं दूसरे धड़े के लोग हैं जो परंपरा के पक्के हैं। और मेरे ख्याल से मैं दूसरे वालों में हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये परंपरा आने वाले 200 साल कायम रहेगी। देखते हैं। क्या मैं इसे छू सकता हूँ? हाँ जरूर। हमने यॉन रोई से पूछा कि क्या हम उसके परिवार से मिल सकते हैं। उसकी माँ कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, लेकिन उसके पिता जॉन और बड़ी बहन लॉरा मान गए। जॉन ने हमारे लिए खाना भी बनाया, वेल मीट और आलू। ये लजीज लग रहा है। ये हमारा सबसे छोटा गाना है। आमीन। okay. उनकी मेहमान नवाजी मेरे दिल को छू गई। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा है कि इस मांस में जहरीले पदार्थ हैं। फिर भी मैं इसे चखना चाहूंगा, ये जानने के लिए कि ये इन लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसका स्वाद बिल्कुल बीफ जैसा है। हाँ हाँ, ये बीफ की तरह है। मैं हैरान हूँ, आप वेल का मांस कितनी बार खाते हैं? ज्यादा नहीं खाते। अगर 10 साल पहले की बात करें तो हम ये मांस अक्सर खाते थे, हफ्ते में लगभग 2 बार। फिर ये बदलाव क्यों हुआ? पता नहीं, शायद अब पिज्जा ज्यादा खाते हैं।
कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि वेल के मांस में पारा होता है या इसकी संभावना है। इस बात से आपको डर नहीं लगता? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मेरे ख्याल से सिर्फ गर्भवती औरतें इस बारे में चिंता करती हैं। आप इस बारे में सोचती हैं? नहीं, मैं गर्भवती नहीं हूँ। पर कुछ बुजुर्ग हैं जो इसे खाते हुए 110 साल के हो चुके हैं, तो मुझे कोई समस्या नहीं दिखती। इसे हर हफ्ते खाना शरीर के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन महीने में एक बार खाने में कोई दिक्कत नहीं। तो वेल का मांस आखिर कितना खतरनाक है? फेरो आइलैंड्स पर कम से कम एक आदमी है जो मानता है कि इसे खानपान से बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था। पॉल वाई है, एक तरह से यहाँ मेडिकल क्षेत्र के दिग्गज कहे जाते हैं। उन्होंने पता लगाया कि वेल का मांस जहरीला है क्योंकि इसमें भारी मात्रा में पारा है, इतनी ज्यादा मात्रा में कि उन्हें माँ के दूध में भी पारा मिला है। तो पायलट वेल के मांस और मुर्गे के मांस में क्या फर्क है? मुर्गे में पारे की मात्रा 100 गुना कम है। 100 गुना, ये बहुत बड़ा फर्क है। पायलट वेल की मांसपेशियों और चर्बी में काफी ज्यादा पारा और अन्य जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं क्योंकि ये जानवर फूड चेन में शीर्ष पर आते हैं जहां ये जमा होता है। पॉल का कहना है कि ये मांस खासतौर पर गर्भवती औरतों के लिए खतरनाक है, ये जहर उनके अजन्मे बच्चे तक पहुंच सकता है। पॉल और उनकी टीम 1980 के दशक से बड़े पैमाने पर इस जहर का अध्ययन कर रहे हैं। और पारे के बड़ी मात्रा में शरीर में घुसने से क्या हो सकता है? हमारे अध्ययन से पता चला है कि ज्यादा पारे से बच्चों का विकास ढंग से नहीं हो पाता। आपको ऊपर से लक्षण दिखाई नहीं देंगे कि अरे देखो इसमें पारा ज्यादा है, क्योंकि इसका कान हरा है। कुछ रिसर्चरों का मानना है कि ज्यादा मात्रा में वेल का मांस खाने से पार्किंसन रोग हो सकता है। मैंने सिर्फ एक बार वेल का मांस खाया है, पॉल बचपन में ये मांस अक्सर खाते थे। क्या आप फर्क बता सकते हैं? चलिए टेस्ट करते हैं। एल्सा हेल्म्सडाल कई सालों से पॉल के साथ काम कर रही हैं। वो बालों के कुछ सैंपल लेती हैं। तो मेरे ख्याल से आपने बहुत पहले ही वेल का मांस खाना बंद कर दिया है। हाँ, बहुत समय पहले, 10 साल हो गए। मैंने कहा ना, औरतें और फेरोई मेरी तरफ हैं। मैं पारे के इस टेस्ट के नतीजे देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं अभी से ही हाल में खाए मांस को लेकर चिंतित हूँ। आपका लेवल 0.75 है। ये ज्यादा है या कम? मुझे कोई आइडिया नहीं है। बहुत लो है। मुझ में आपसे 2 गुना पारा है। इतनी मात्रा में पारा होना फेरोई मर्दों के लिए आम है। आज तक आपने सबसे ज्यादा रेटिंग कितनी देखी है? 40। 40? हाँ। बाप रे, तो आप इन लोगों से क्या कहते हैं? हम उनसे बात करते हैं, उन्हें प्यार से समझाते हैं, अगर वो समझना चाहें तो। इनमें ज्यादा मात्रा वाले कुछ लोग कोई सलाह सुनना ही नहीं चाहते। पॉल की संस्था ने सबको वेल का मांस और चर्बी खाने के खिलाफ सचेत किया है, लेकिन हमने जल्द ही देखा कि उनकी इस चेतावनी का स्थानीय लोगों पर कुछ खास असर नहीं हुआ है। हम बस नाश्ता करने बैठे थे, तभी हमें कॉल आया कि आज ग्रिंडा ड्रॉप होने वाला है, यानी आज वेलों का शिकार होगा। मैं नहीं जानता ये खबर सच है या झूठ, लेकिन हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। समय पर पहुँचना मुश्किल होगा क्योंकि शिकार आइलैंड के दूसरी तरफ उत्तरी कोने में हो रहा है। मुझे तेज चलाना होगा। ये टिप यॉन रोई के परिवार से मिली है जिन्होंने मुझे वेल का मांस खिलाया था। लगता है उनका कहना सही था। अचानक मुझे वेलर्स की नावें दिखने लगी। यकीन नहीं होता, मैंने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। फिलहाल जानवर दिखाई नहीं दे रहे, मैं अभी सिर्फ नावें ही देख पा रहा हूँ। लग रहा है जैसे कोई दीवार चली आ रही है। शिकार में शामिल होने के लिए वेलर्स को कोई भी काम छोड़कर आने की इजाजत है। हम नहीं जानते वो क्या कहेंगे। वेलर्स को कैमरे बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं अब क्या होने वाला है। जो होगा देखा जाएगा।
जानवर अब भी बहुत दूर हैं। मैं यॉन रोई के परिवार को खोज रहा हूं और मैं खुश हूं कि वो सीधे मेरी ओर ही आ रहे हैं। हाय यॉन रोई, आपको देखकर खुशी हुई दोस्त। क्या आप बता सकते हैं इस वक्त क्या हो रहा है? हाँ, वो इस वक्त वेलो को तट की ओर खदेड़ रहे हैं और तट पर एक शिकारी मौजूद है जो बाकियों को समझा रहा है कि उन्हें क्या करना है। क्या आप भी हिस्सा लेने वाले? शायद। आप याद रखना कि बीच में दखल नहीं देना है और अगर कोई शूटिंग रोकने को कहे तो रोक देना। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि यॉन रोई और उनके परिवार के साथ होते हुए हमें कुछ होगा, लेकिन कई लोग जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं। वो सब पूछ रहे थे कि क्या आप शिकार के खिलाफ हैं? नहीं, आप कह सकते हैं कि हम न्यूट्रल हैं। मैं हैरान हूँ, तट पर सिर्फ वेलर्स ही नहीं, मर्द, औरतें, बच्चे, हर कोई यहाँ है। एक तरह से पूरा गांव है। क्या वो भी शिकार में शामिल होने आए हैं? जॉन के पास वेलिंग लाइसेंस है, इसलिए उन्हें भाला इस्तेमाल करने का अधिकार है। उनका बेटा यॉन रोई सिर्फ वेल्स को उथले पानी में खींचने में मदद कर सकता है। फिर एक बार चेतावनी कि अब जो आप देखेंगे वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। कमाल है, ये कितनी बड़ी है, एक छोर से दूसरे तक। मुझे भीड़ में यॉन रोई के पिता दिखे। मुझे लग रहा है कि हर कोई अपना काम जानता है, लेकिन मैं स्तब्ध हूँ, बिल्कुल सुन्न पड़ चुका हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। सिर्फ 3 मिनट में 19 पायलट वेल्स मारी गईं। वो मृत जानवरों को वापस पानी में खींचते हैं और उन्हें बंदरगाह पर ले जाते हैं। मैंने इसके बारे में इतना कुछ पढ़ा था, लेकिन अचानक अपनी आंखों के सामने ये होना, सब कुछ इतना जल्दी होता है, मैं बता भी नहीं सकता कि इसका मुझ पर क्या असर हुआ है। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। मेरे ख्याल से भावनात्मक रूप से इसे समझने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इस परंपरा के पीछे यकीनन कोई आदिम प्रेरणा है। सब कुछ अपने आप हो जाता है। मैं भीड़ में फिर से यॉन रोई से मिला। ये शिकार उनके लिए कुछ खास नहीं रहा। उस हुक से मेरे पैर में चोट लग गई। तुम्हारे पैर में वो हुक लगा, ये कैसे हुआ? लगता है किसी को लगा कि मेरा पैर पायलट वेल है। मुझे लगा सारी वेल मारी जा चुकी हैं, लेकिन तभी मैंने पानी में कुछ देखा। वो बच निकली। बच निकली? हाँ, शायद नाव के नीचे छिपकर। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है ना? नहीं, लेकिन वेल अकेले जिंदा नहीं रह सकती, इसीलिए हम सबको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बच गई। अगर इसे नया परिवार नहीं मिला तो ये मर जाएगी। मरी हुई पायलट वेलों को बंदरगाह पर लाया जाता है। मैं सोच रहा हूँ, बस कुछ देर पहले वो अपने परिवार के साथ अटलांटिक में तैर रही थीं, लेकिन अब सारी मरी पड़ी हैं, एक कतार में रखी हुई हैं। मैंने पहले कभी इतना बड़ा जानवर मरा हुआ नहीं देखा। आपके आज के शिकार से कितने लोगों का पेट भर सकता है? आप बता सकते हैं कितने परिवारों को इनका मांस मिलेगा? 200।
200 परिवारों को, और ये सब मांस लेने यहाँ आए हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग ये नज़ारा देखकर नाराज होते हैं और पूछते हैं कि आप ये शिकार क्यों करते हैं? क्या आप उनकी बात समझ सकते हैं? जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो शिकार के पूरे सच से अनजान हैं। हम भी ये मांस खाते हैं, ये हमारी सभ्यता का हिस्सा है। कुछ साल पहले ये मांस खाना अनिवार्य था। क्या ये आज भी जरूरी है? देखिए, हम शिकार करते हैं और मांस खाते हैं। हाँ, हम इस मांस के बिना जी सकते हैं, लेकिन ये यहाँ की कुछ चुनिंदा स्थानीय खाने की चीजों में से है। हमारे यहाँ आलू, मछलियाँ, भेड़ और वेल मिलती हैं। बाकी सब बाहर से आयात होता है। फिर इन वेलों को काटा जाता है। हर कोई मदद कर सकता है। किसी को मांस और चर्बी के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, ये मुफ्त है। जो भी शिकार का हिस्सा था या बस वहाँ मौजूद था, उसे कुछ ना कुछ मिल जाता है। बहुत अजीब माहौल है, जैसे कोई स्थानीय उत्सव हो। पूरा गांव यहां मौजूद है और हर कोई अपने हिस्से के इंतजार में है। एक अजीब सी गंध आ रही है, मरे हुए जानवरों की। वेलों की गंध कुछ खास अच्छी नहीं होती, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ परिवार हैं, छोटे बच्चे हैं। मैंने छोटे बच्चों को पहली बार मांस काटते हुए देखा। अब मैं समझ सकता हूँ कि बच्चे ये सब देखते हुए बड़े होते हैं। यहाँ रहने वालों के लिए ये बिल्कुल आम बात है, लेकिन मेरे लिए नहीं। यॉन रोई की बहन लॉरा भी अपने साथ मांस घर ले जा रही है। हमारी टीम के कुछ लोगों के लिए वेलिंग शूट करना काफी मुश्किल था, लेकिन हम जानते हैं कि ये कोई आखिरी शिकार नहीं होगा। मैं अब तक नहीं समझ पा रहा हूँ, यहाँ के लोगों को वेलिंग से कोई एतराज क्यों नहीं है, इस मांस के हानिकारक होने के बावजूद। इसीलिए मैं एक बार फिर एल्सा से मिलने गया, जिन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूट में बालों के नमूने लिए थे। आज आपके कुछ दोस्त आ रहे हैं? हाँ, वो सभी महिलाएं जो हमारे फेरो आइलैंड्स के सिलाई क्लब का हिस्सा हैं। हम एक बार फिर वेल के मांस में मौजूद पारे पर बात करते हैं। इसके बुरे असर के बारे में फेरो आइलैंड्स पर सभी को पता है। 2014 में हुए एक अध्ययन में सामने आया था कि 99% लोगों को इससे जुड़े खतरों की जानकारी है, लेकिन वो ये सलाह नहीं मानते। नहीं, हर कोई नहीं, लेकिन जवान लड़कियां सलाह मानती हैं। आखिरकार वही हैं जो बच्चों को जन्म देती हैं। एल्सा की दोस्त आ गई हैं। इनमें से ज्यादातर वेल या डॉल्फिन का मांस नहीं खाती, लेकिन मैं वजह जानना चाहता हूँ। मैं नहीं खाती क्योंकि मुझे इसका स्वाद पसंद नहीं है, लेकिन मेरे पति तो वेल के मांस के दीवाने हैं। वाकई? लगता है वेल के मांस में कुछ बात है। उनके पास नाव भी है, तो हाँ, उन्हें ये पसंद है। मुझे याद है, बचपन में मुझे किनारे पर पड़ी लाशें देखना पसंद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। बाकी चीजों की तरह ही ये हमारी परंपरा का हिस्सा भी है, फेरोई परंपरा का हिस्सा। ज्यादातर फेरोई राजनीतिक रूप से रूढ़िवादी सोच के होते हैं और स्थानीय राजनीति में पुरुषों का दबदबा है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये एक वजह है। मिसाल के तौर पर देखिए कि राजनीतिक रूप से कोई भी पायलट वेलों का शिकार रोकने की बात नहीं करता। बतौर राजनेता अगर आप शिकार का विरोध करने लगेंगे तो आपको वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे किशोर बच्चों और युवाओं का इसे देखने का नजरिया अलग है। शायद ऐसा है, लेकिन शायद वो निटिंग क्लब में नहीं जाते। पर ज्यादातर लोग ऐसा नहीं सोचते, मैं तो बिल्कुल नहीं।
आइलैंड की महिलाएं बमुश्किल ही वेल का मांस खाती हैं, खासकर अगर वो बच्चे चाहती हैं तो, लेकिन ज्यादातर मर्द आज भी खा रहे हैं। मुझे लगा था कि हमारी फिल्म यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन हालात अचानक बदल गए। हमें एक और शिकार की खबर मिली। शुरुआत में हमें लगा था हमें इसे फिल्माने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अब हम दूसरा शिकार देखने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हमने उन लोगों को जान समझ लिया है, हमने उनका भरोसा जीत लिया है। वो जानते हैं कि हम शिकार देखने या शूट करने आए तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं देंगे। पानी लाल है, शिकार शुरू हो चुका है। जब हम वहाँ पहुँचे तो रास्ते पर पहले से ही भीड़ थी। इस शिकार में कुछ तो अलग है। इस बार वेलों का पीछा किसी तट पर नहीं बल्कि एक खाई पर खत्म हुआ है। इस बार हमें थोड़ी देर हो गई। देखो, एक वेल भाग रही है। वेलर्स को एक वेल को पकड़ने में परेशानी हो रही है। वो उसे यूं ही भागने नहीं देंगे। अब वो गहरे पानी में कूदकर किसी तरह वेल पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आमतौर पर शिकार जल्द खत्म होता है, और हमने जो पहला शिकार देखा था वो बहुत तेजी से खत्म हुआ था, लेकिन इस बार हालात काबू से बाहर हैं। जानवर भाग रहा है, जिंदगी और मौत की लड़ाई जारी है। नावें वेल को बार बार किनारे की ओर धकेल रही हैं, जहां वेलर्स इंतजार में हैं। वो रही वहाँ, अब भी जिंदा है, लड़ाई जारी है। आधे घंटे तक जिंदगी और मौत की जंग चलती रही। मेरी आंखों के ठीक सामने दर्जनों जवान आदमी ठंडे पानी में खड़े हैं। वो किसी भी हाल में वेल को बचकर जाने नहीं देना चाहते, ठीक वैसे ही जैसे वो अपनी परंपराएं छोड़ना नहीं चाहते। फेरो आइलैंड्स पर अपने सफर में मैंने ये बात बहुत अच्छी तरह समझ ली है। मुझे अपने बारे में एक बात का एहसास हुआ है, मैं पायलट वेल का शिकार नहीं कर सकता, उन्हें नहीं मार सकता। और आप?